दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्सोनी। और आज हम दोस्तों बात करेंगे एंड्रॉयड की कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि दोस्तों सबसे पहले ट्रिक है उसका नाम है कलर इन्वर्जन, यानी कि आप अपनी मोबाइल की थीम को डार्क कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आप जाना है असेंबलिटी में, कलर इन्वर्जन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपकी थीम डार्क हो जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार थीम है ये, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये। तो वापस इसको जाके सेट कर लीजिए। और दोस्तों अब बारी आती है हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट की, तो इससे आप इसको इनेबल करके दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को हाई कर सकते हैं, यानी कि इनका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको इनेबल करने पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने बंद कर दिया है, तो देखिए आप टेक्स्ट कैसे दिख रहे हैं। और जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो आप देख रहे हैं आपको हल्का सा फ़र्क महसूस हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्क्रीन पिन की। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके फिर सिक्योरिटी में जाना होगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन पिन यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका माना कि ये सेटिंग ओपन है, तो इस पिन के बटन पे आपको टैप करना है। अब ये गॉट इट, अब इसको आप कुछ भी करिए, आप इससे बाहर नहीं जा सकते दोस्तों। कितना भी बैक बटन प्रेस कर लीजिए, कौन से भी बटन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो कि बैक बटन उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, उससे आप अपनी नॉर्मल स्क्रीन में आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट की, कि बैकग्राउंड में कौन से ऐप को मैनेज करना है हमारे फ़ोन में, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जाना होगा आपको सबसे पहले पावर मैनेजर में, फिर आप बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रही है और ये आ गए। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपको कौन से एप्लीकेशन की रनिंग रखनी है। तो देख सकते हैं कि कुछ पर हरा टिक दिखाई दे रहा है और कुछ पर रेड कलर का ये मार्क दिखाई दे रहा है। इसका रेड का मतलब है कि ये बैकग्राउंड में रनिंग नहीं होगा, यानी कि मैसेंजर को मैं अभी ओपन करके वापस बंद कर दूंगा तो ये मेरा बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलेगा। वापस मैं इसको बैकग्राउंड में जाके रिसेंट ऐप में जाके इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे शुरू से ओपन होगा। तो दोस्तों आप बैटरी सेवर का यूज़ भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। मेरे मोबाइल में तो ये सेटिंग में जाके फिर पावर मैनेजर में जाके मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपका फ़ोन की सेटिंग हो सकता है कुछ अलग हो, तो आप देख लीजिए अपने फ़ोन की सेटिंग में आपको ये कहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ओपन करके भी आप अपने फ़ोन की बैटरी को काफ़ी हद तक दोस्तों फ़ोन की बैटरी को काफ़ी हद तक आप दोस्तों बचा सकते हैं ज़्यादा ख़त्म होने से। दोस्तों जो हमारी अगली ट्रिक है वो है डेटा यूजेस की, कि आप अपने डेटा यूजेस पे भी अपनी नज़र रख सकते हैं, यानी कि आप अपने डेटा की लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप, यानी कि आपको एक महीने का कितना डेटा यूज़ करना है, 5 GB, 10 GB, 20 GB या 30 GB। तो आप इसको इनेबल, ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपको पता रहेगा कि आपका एक महीने में कितना डेटा खर्च होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस प्रोटेक्शन की। ये मिल जाएगा आपको सेटिंग में जाके, फिर आपको डिस्प्ले में जाना होगा, ये स्क्रॉल करके नीचे आपको मिल जाएगा। देखिए ये मिल रहा है ब्राइटनेस प्रोटेक्शन, इससे क्या आपकी बैटरी पे भी ज़्यादा लोड नहीं होगा, यानी कि आपकी स्क्रीन की लाइट थोड़ी डल हो जाएगी, यानी कि आपके आंखों के अनुसार हो जाएगी। ये नाइट स्क्रीन मोड है मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है, हाँ ये नाइट स्क्रीन मोड ही है दोस्तों। तो ये इसको आप रात में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नाइट में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो इसको इनेबल कर लीजिए और आप मोबाइल फ़ोन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक टिप्स पसंद आई होगी।